देखो, ये था हमारा प्रोजेक्ट का पहला फेज जिसमें हम लोग बिजनेस लिस्टिंग करने के काम में लगे हुए थे। चलो कुछ बिजनेस लिस्ट अगर हम करना चाहें तो मैं कुछ बिजनेस लिस्ट, जैसे मान लो इकोफिक्स एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अगर मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ और गूगल का सर्च करता हूँ, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये मेरा एक यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, और इस शॉप को ना हम लोग लिस्ट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, तो उसका इमेज पहले निकाल लेते हैं, बहुत जरूरी होगा इमेज निकालना। ठीक है, सेव करते हैं इस इमेज को, मान लो डेस्कटॉप, और इसको अब इसके इंसर्ट के पेज जाने के लिए हमको सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के पेज पे आ गए, नाम रखना है कि क्या है, शॉप है, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सबमिट। सॉरी, इसमें आगे में HTTP लगाना पड़ता है, ये बात ध्यान देना। देखो ये शॉप आ गया, इसमें ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं ये सबसे पहले कि हम जिस नाम को सर्च करें उस नाम से जो भी शॉप हो, पहले तो इसका साइज बराबर करते हैं। देखो सबका इमेज का साइज ही दो उधर, यानी फोटो का साइज थोड़ा सा गड़बड़ है, तो फोटो का साइज को ठीक करने के लिए होम पेज में जाते हैं जहाँ कॉलिंग किए थे, इसमें कार्ट डैश आईएमडी डैश स्टॉक को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल सीएसएस स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल का टाइप एट्रीब्यूट सॉरी ऑब्जेक्ट डैश फिट, ऑब्जेक्ट जस्ट अ मिनट डैश फिट, और उसके बाद मैं करता हूँ कवर, उसके लगाता हूँ मैं हाइट, और डाल देता हूँ मैं हाइट में 250 पिक्सल, ठीक है, इस टाइप का कोई सिस्टम कर देता हूँ। जैसे देखो 250 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, 150 पिक्सल। देखिए सबकी इमेज साइज सब बराबर हो गए, मतलब सब कुछ साइज में कार्ड में बराबर हो गया, एक छोटा सा सीएसएस करने की वजह से। ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर, और उसके बाद मैंने लिखा हाइट 150 पिक्सल, तो ये चीज़ 150 पिक्सल में आके फिट हो गई। अगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा और भी डिज़ाइन अच्छा हो, तो उसके लिए मैं नीचे का हेडिंग को थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, H5 लगा के देखता हूँ। देखो ये जो हेडिंग है ना, ये बोल्ड मैंने कर दिया, इसका कैपिटल का टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट डैश अपर केस लिखेंगे इस तरीके से। तो देखिए कैपिटल में लिखा गया, ये काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है। नीचे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं कुछ कुछ और आ जाए, जैसे ईमेल आईडी आ जाए, तो आप ईमेल भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ और कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप कर सकते हैं ये सबसे चीज़, ठीक है। मार्जिन बॉटम, मार्जिन 0 पेगिंग 0, मार्जिन 0 पेगिंग 0, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसी तरीके से ना आप चाहते हैं अगर कि मान लेते हैं कि आप और भी चीज़ें ऐड करें, हालांकि डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ। इसके लिए मैं बॉडी कलर का इस्तेमाल करूँगा जो कि बेस में है, बॉडी में जाकर मैं सीधे सीधे बॉडी का ग्लास पीजी लाइट लिख दूंगा। इससे क्या होगा,
थोड़ा सा ग्रे कलर वाला बैकग्राउंड पकड़ लेगा। देखो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में तो ग्रे कलर बैकग्राउंड में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सर्च बनाना है, यानी कि जब हम सर्च करें कोई चीज़ तो उस नाम से रिलेटेड आ जाए। तो सर्च करने के लिए जो मेरा फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, उसका पहले मैं साइज थोड़ा बढ़ा दूँ। यहाँ से लिखूंगा साइज इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 70। देखिए इसका लंबाई बढ़ जाएगा, और इसमें कुछ प्लेस होल्डिंग कर देते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर लगाया और लिखा सर्च बिजनेस, ऐसे लिख दिया ताकि उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए। देखिए सर्च बिजनेस लिखा हुआ आ गया। इसके बाद जो बटन का नाम सबमिट लिखा हुआ है, उसको कुछ और नाम रखने से मैं इसका बटन का नाम आप लग देता हूँ सर्च। तो देखो सबमिट की जगह सर्च लिखा गया। अब मैं यहाँ पे टाइप जो करूँ वो ही फिल्टर करके आए, यानी वही रिकॉर्ड बन गया है या सर्च हो गया है, बन के नहीं सर्च हो गया है। तो उसके लिए मुझे एक्शन है, मेरा मेथड है, ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका व्यू बनाता हूँ। व्यू बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए जो कि सर्च का काम करेगा, इफ सर्च, और मैं यहाँ लिखूंगा रिक्वेस्ट। देखिए ध्यान से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए इफ सर्च, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर कोई चीज सर्च होती है तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। सर्च करने के लिए मेथड गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे हम गेट मेथड कर देते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने एक वेरिएबल बनाया सर्च नाम से, जो कि बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट गेट कैपिटल में और स्मॉल में गेट, ये इनपुट टाइप का नाम मैंने लिख दिया। तो जो मैं टाइप करूंगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मुझे इसका डेटा फिल्टर करना होगा, तो कैसे फिल्टर होगा, देखो डाटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर वही नाम यूज़ करूँगा जो होम पेज में किया गया, देखो बिज और कैट। मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ सीधे सीधा, अगर टाइम बचाना है तो बर्बाद नहीं करना, मैं तीनों लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, इसके इस जगह पर। देखिए जब भी कोई सर्च करेगा, जब भी कोई सर्च करेगा तो डाटा नंबर वेरिएबल जो कैटेगरी में, तो सारा कैटेगरी दिखेगा, बिजनेस में फिल्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर, और यहाँ पे लिखूंगा किससे फिल्टर करेगा, तो टाइटल्स ऑफ कोर्स अंडरस्कोर कंटेंट्स, याद है कंटेंट्स, और इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च दूंगा, बस हो गया, बाकी सारा चीज़ सेम है। अब मेरा सर्च तैयार हो गया। सर्च तैयार होने के बाद हम लोग को इसका URL तैयार करना होगा, तो चलिए URL भी तैयार कर लेते हैं। URL तैयार करना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे स्लैश सर्च लगाता हूँ, फंक्शन का नाम सर्च हो गया है, मैं उसको बुला देता हूँ इस तरीके से, और नेम भी मैंने सर्च दे देना, हो गया। तो मेरा एक तैयार हो गया पाथ सर्च के लिए। अब मैं फॉर्म का एक्शन डिसाइड करूँगा, जो कि मेरा बेसिकली पेज डॉट एचटीएमएल में है यहाँ पे, और इस जगह पे मैं सर्च के लिए URL ऐड कर दूँगा इस तरीके से, URL सर्च, ये नाम मैंने रखा URL का, तो मैं यही यूज़ करूँगा। और इन देखिए इसका नाम सर्च लिखा था, नेम इसका नाम फाइंड में लिखा था, बटन का नाम फाइंड लिखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेम सर्च लिखा था, यही वजह है। चलिए सर्च तैयार हो गया। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद कोई एरर तो नहीं आ गया, हाँ कहीं पे बोल रहा है डाटा नंबर जो वेरिएबल आपने लिखा है उसका एक एरर है। देखिए देखिए इंडेंट का एरर है, एक स्पेस का एरर है बस, तो इस बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर सकता है आपका एक स्पेस। देखिए अब मैं लिखता हूँ इकोफिक्स, जो कि मेरा एक शॉप का नाम है, एंटर मारा, देखो इकोफिक्स सिर्फ आ गया। मैं लिखता हूँ कोड भी साथ ही, सिर्फ कोड लिखा तो देखो आ गया, वाओ इट्स वर्किंग, सर्च मेरा परफेक्ट काम कर रहा है। होटल देखो आ गया, ये परफेक्ट सर्चिंग काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरा सर्च का फंक्शन रन हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ऑफकोर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करूँ, जैसे मान लो स्पोर्ट्स पे क्लिक करूँ तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही वाला बिजनेस आए, जब मैं कॉलेज पे क्लिक करूँ तो कॉलेज रिलेटेड ही बिजनेस आए, जब मैं क्लासेस पे क्लिक करूँ तो क्लासेस रिलेटेड ही बिजनेस आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ऑफकोर्स मुझे इसके लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो डिफ मैं इसका नाम रखता हूँ फिल्टर, ठीक है, और रिक्वेस्ट पास करता हूँ कॉमा कैट आई डी,
कैटेगरी के नाम आईडी से फिल्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, उसके बाद मैं लिखता हूँ रेंडर। एकदम होम पेज को ही, कोई अलग से एचटीएमएल बनाने की जरूरत नहीं है, home.html, और मुझे फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए मैंने बता देना आपको कि ऊपर वाले जैसे डाटा बनाया था वही चीज़ यूज़ करना है मुझे यहाँ पे भी। मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और इस डाटा को यहाँ से पास कर देता हूँ। क्या अंतर होगा? अंतर होगा सर्च में क्या होता है, कंटेंट से सर्च होता है, बट मुझे यहाँ पे भी फिल्टर करना, तो मैं कैटेगरी से करूँगा। कैटेगरी इज इक्वल टू कैट अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी डॉट आईडी, मतलब कैटेगरी टेबल के अंदर आईडी। मैं आपको इसको मॉडल समझाता हूँ। मॉडल में जो कैटेगरी नाम का कॉलम है वो एक फॉरेन की है, किसका? कैटेगरी वाले टेबल का। तो उसका फॉरेन प्राइमरी की क्या होगा? आईडी। इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे कैटेगरी डॉट आईडी से मैच करो किसको, कैट आईडी को। तो मैच जैसे ही कर लेगा वैसे ही बोलेगा कि अच्छा आपने जो है क्या क्या आपको सर्च करना है, उस कैटेगरी से फिल्टर होकर बिजनेस आएगा और वही दिखाएगा। ठीक है, तो बन गया मेरा फंक्शन। अब मुझे बनाना है इसका व्यू, सॉरी यूआरएल। तो ऑफ कोर्स इसका यूआरएल भी तैयार करना पड़ेगा और आप यहाँ पे इसका नाम रखेंगे मान लीजिए फिल्टर। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, तो आपको एक पीके चाहिए, मतलब प्राइमरी की चाहिए। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं पीके, मतलब प्राइमरी की चाहिए। लेकिन मैं आपको एक प्रेफरेंस बताता हूँ, चूंकि मैंने नाम यहाँ पे कैट आईडी लिख दिया है तो अब इसी नाम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई एन टी यानी टीचर है, कैट आईडी बस हो गया, ऐसा लिखना है परी ब्रैकेट के अंदर, लास्ट में स्लैश लगा देना है, बस हो गया आपका। अब फंक्शन कौन सा है, तो फिल्टर। अब उसके बाद नाम क्या रहेगा, तो फिल्टर, बहुत आसान। तो फंक्शन फिल्टर, नाम भी फिल्टर और ये है इसका यूआरएल फिल्टर स्लैश, उसके बाद आएगा किसका कैटेगरी आएगी। अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा, यानी कि ये जो लिंक काम करेगा, तो क्लिक करने पे काम करेगा, तो इस पे लिंक करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो मैं चला जाता हूँ अपने base.html पे, नहीं बेस पे नहीं है, ये है होम पेज पे, home.html पे, और ये जो लिंक है यहाँ पे लूप से चल रहा, तो इसमें डालूंगा मैं URL इस तरीके से URL, और फिर URL का नाम मैंने रखा फिल्टर, स्पेस देकर लिखूंगा c.id, यानी कैटेगरी का आईडी पैरामीटर से पास होगा। ये जो यहाँ से पास होगा वो यहाँ से सीधा कैट आईडी नाम से इंटीजर में वैल्यू स्टोर होगा, जो कि इस फंक्शन में पास होगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कैट आईडी नाम से और उसको बाद में फिल्टर कर लेंगे, जितना डेटा आएगा मैच करके वो इफेक्ट करा देंगे। चलिए रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, देखिए एक बार रिफ्रेश कर लें, कुछ एरर है क्या, मैं चेक करूँ। देखो यहाँ पे डबल इक्वल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज गलती हो गया, डॉट नहीं लगाकर मुझे दो बार अंडरस्कोर लगाना होगा। दो बार अंडरस्कोर मतलब उसके अंदर, डॉट से हम लोग एचटीएमएल में करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको दो बार अंडरस्कोर, जैसे दो बार अंडरस्कोर लगा के कंटेंट लगाए थे वैसे दो बार अंडरस्कोर लगा के आईडी लगा दी, चेक करूँ ये सही लग रहा है। वाह, अब देखिए मैं स्पोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं है, कॉलेज पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं है, क्लासेस हैं कुछ भी सारी आ गया, स्कूल कुछ नहीं है, शॉप है इकोफिक्स है आ गया, होटल होटल ह्यूमन है, कॉलेज नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, फूड नहीं है। अच्छा जिसमें नहीं है उसमें मैसेज नहीं होने का होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो होम पेज में जब हम लोग लूप चला रहे हैं बिज का, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा इफ लगा दूंगा बहुत आसानी से, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ, और इसका जो एंड इफ है वो मैं इसके बाद लगा दूंगा, यानी मैंने एक कंडीशन लगा देना है इफ बिज लेंथ ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हो गया कि लेंथ जो है इसका ग्रेटर देन जीरो। इसके अच्छा फिर इसका अच्छा तरीका ये भी है कि अगर बिज हो तो बस इतना, इफ बिज आप ऐसे भी लगा सकते। अब आपको एल्स पार्ट लगाना है और मैसेज कर देना है जब नहीं होगा तो क्या लिखेगा। तो जब नहीं होगा तो एक कार्ड दिखेगा, बेसिकली एक कार्ड दिखेगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ इस एल्स पार्ट में, ये कॉलम लगाने की जरूरत नहीं सर, डॉट कार्ड, डॉट कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर में यहाँ पे एक अलर्ट
सॉरी कार्ड बॉडी के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देते हैं एच वन जिसको क्लास में लिखे सॉरी नॉट फाउंड, ठीक है, ऐसा मैसेज पैराग्राफ में स्मॉल में प्लीज ट्राई विथ एनी अदर क्वेरी, आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे क्वेरी के साथ। अब आपके साथ कलर बदल देते हैं, बीजी डैश चेंज है लाल रंग हो गया, टेक्स्ट डैश व्हाइट कलर व्हाइट रंग का ये हो गया, मैंने ऐसे डिजाइन कर दिया। अब जैसे जिसमें भी नहीं होगा जैसे कॉलेज में नहीं है, देखिए क्या आ रहा है सॉरी। अब मैं इसको अगर बड़ा कर साइज का करना चाहता हूँ तो ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ कॉल डैश एल टी डैश 12 लगाता हूँ तो ये पूरा फुल विथ साइज का हो जाएगा स्क्रीन, दिखाता हूँ मैं देखिए। तो देखिए स्पोर्ट्स में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, क्लासेस में है तो क्लासेस आ गया, स्कूल में नहीं है शॉप में है आ गया, होटल में है, कॉलेज में नहीं है, रेस्टोरेंट में नहीं है, फुल में नहीं है, मतलब जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे भी काम करेगा, मतलब जैसे सर्च कुछ ऐसा कर दिया जो है ही नहीं तो सॉरी नॉट फाउंड का मैसेज सेम आएगा, यानी कि हम परफेक्ट वर्ब में हैं, ठीक है। हम जो चीज़ सर्च करते हैं जैसे कोट भी शादी में विथ है तो वो आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ जो नहीं है जैसे अंजलि नहीं है तो देखो नहीं है सॉरी नॉट फाउंड, तो ये मैसेज सॉरी का आ रहा है और साइड से मेरा कैटेगरी भी फिल्टर हो रहा है। मैंने सारे काम कर लिए जो मैंने आपको कल बताए थे, नंबर एक सर्च मैंने कर लिए, नंबर टू कैटेगरी फिल्टरेशन कर लिया, नंबर थ्री मैंने जब नहीं हो उस जगह पे मैंने ये चीज़ बना ली, मतलब जब नहीं हो कुछ भी तब क्या दिखेगा तो सॉरी नॉट फाउंड का मैसेज दिखेगा, तो वो मैंने तैयार कर लिया। तो आपने देखा बहुत आसानी से जेंगो के अंदर में हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं, जैसे कि फिल्टरेशन जैसे कि सर्च, दो चीज़ें मैंने अभी की है अपने आपके सामने। अब तीसरी चीज़ मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं जब किसी भी बिजनेस पे क्लिक करूँ तो उसका फुल डिटेल नज़र आए जितना मैंने डेटा डाला है, ये तो समराइज डेटा है, जब मैं क्लिक करूँ तो ये इससे ज़्यादा डेटा यानी फुल डेटा दिखे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे ऑफकोर्स एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम रख लेता हूँ मैं biz.html, बहुत आसानी से नाम रख लेते हैं biz.html। और मैं क्या करूँ तो यहाँ पे एक्सटेंड वगैरह करना है, मैं बता दूँगा आपको कैसे एक्सटेंड करना है। एक और चीज़ एक्सटेंड करने से पहले मैंने इसका नाम होम पेज में होम पेज रखा था, आपने देखा होगा यहाँ पे होम पेज आ रहा है, लेकिन जब मैं इंसर्ट में जा रहा होता हूँ तो उसका नाम यहाँ पे मैंने रखा इंसर्ट, यहाँ पे लिख देता नहीं रखा था इंसर्ट पेज, ठीक है। तो जब मैं इंसर्ट के पेज में जाऊँगा तो देखिए उसका नाम ऊपर में इंसर्ट पेज दिखा गया, टाइटल दिख रहे हैं ऊपर में आपको। इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सर्च में दिखे बाकी चीज़ें दिखे तो आप कर सकते हैं, उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं बनाने जा रहा हूँ एक नया पेज और उस पर क्लिक करने के बाद जाएगा दूसरे जगह, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम रीड मोर का बटन बना लेते हैं, बीच में इस जगह पे एक बटन बना लेते हैं BTN डैश लाइट कलर का और इसमें लिखते हैं रीड या फिर नो मोर मतलब इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए क्लिक कर लें। तो देखिए दो बटन्स आ गए यहाँ पर नो मोर के, तो बीजी लाइट काम नहीं कर रहा, तो बीजी लाइट की जगह मैं डाल देता हूँ डार्क का भी डाल BTN डैश ब्लॉक यानी कि लंबा सा, देखा जाए कैसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिख रहा है। आप इसके ऊपर से मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन टॉप 2, 3, 5 जितना देना स्वाद अनुसार, देखिए ठीक है। तो ये नो मोर बटन पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाएंगे एक सिंगल पेज पे जिसमें एक बिजनेस के बारे में डेटा होगा। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसको बहुत समझ में सवाल है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं बिज वाले पेज में पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना। जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या, सबसे पहले तो टाइटल का नाम चेंज करना होगा, तो मैं इसका लिख देता हूँ टाइटल कुछ और, मैं डिस्कस करूँगा इस पर, ठीक है। सबसे पहले तो क्वालिटी 3 सेम रहेगा, क्वालिटी 9 ब्लैंक कर देता हूँ यानी कि क्वालिटी 9 को मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरा कहने का ई मतलब क्वालिटी 9 ब्लैंक हो गया। अब इसमें जो काम करना होगा मैंने कर लेना है बाद में, अभी मैं पहले व्यू बना लेता हूँ। तो देखिए मैं व्यू बना रहा हूँ डिफ, अच्छा नाम रखता हूँ सिंगल व्यू, ठीक है ऐसा नाम रखा सिंगल व्यू मतलब एक अकेला दिन, रिक्वेस्ट
और उसके बाद मुझे यहाँ पे बिज आईडी चाहिए, उसको फिल्टर करने के लिए कौन सा डेटा है, और बाकी चीज़ें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ समय बचाने के लिए, वही चीज़ लिखना है मुझे बस। मेरा ये जो पेज है इसका नाम बिज डॉट एच टी एम एल हो जाएगा, और फिल्टरेशन का तरीका हो जाएगा आईडी से, मतलब बिज आईडी से मैच करेगा। इस तरीके से बड़ा आसानी से, तो सिंगल व्यू नाम का जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे यहाँ पर काम करेगा। तो सिंगल व्यू एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम बिज फिल्टर करेंगे। अब चलिए इसका यूआरएल बना लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको फिल्टर वाला बनाया था वैसे बनाना है। मैं इसका नाम रखता हूँ व्यू स्लैश बिज आईडी, और इसका नाम सिंगल व्यू जो कि फंक्शन है, और इसका नाम रखता हूँ मैं नॉर्मली नाम रखता हूँ व्यू। तो देखिए ये एक और पाथ तैयार कर लिया मैंने। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एक सिंगल व्यू है जिसमें मैं फिल्टर कर सकता हूँ अपने बिजनेस को। अब इसको लिंक करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स होम पेज में जाएंगे। देखिए अभी जो मैंने बनाया है नो मोर का बटन, उसमें हर्फ है और हर्फ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, और उसके बाद यूआरएल नाम मैंने रखा व्यू, पैरामीटर में पास करना है बी डॉट आई डी यानी बिजनेस का आई डी, जो लूप चल रहा है ना बी नाम से चल रहा है। देखिए तो मैंने वही नाम उठा के डाल दिया बड़े आसानी से। ये देखिए इसमें व्यू स्लैश वन, इसमें व्यू स्लैश टू, इसमें व्यू स्लैश थ्री आ गया। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो वो डेटा मुझे दिखेगा, जैसे इको करूंगा तो अभी तक ये ब्लैंक है, मैं बनाता हूँ इसको। मैं जा रहा हूँ अब कहाँ, अपने बिज डॉट एच टी एम एल पे, और कॉलजी नाइन में यहाँ पर मैं तैयार करूंगा कुछ ऐसे रो, जस्ट अ सेकंड, रो कॉल डैश एलजी डैश फोर और एट, ठीक है, एक मिनट में देख के आपको कुछ हो गया। तो यहाँ पर जी फोर और जी एट, फोर में मैं डाल दूंगा इमेज को। इमेज को डालने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट आईएमटी का टैग और कार्ड डैश आईएमटी डैश टॉप का क्लास, ठीक है। देखिए अब इस जगह पे मैं दो बार कर्ली ब्रैकेट डालकर सिंपली सिंपली लिख सकता हूँ बिज डॉट इमेज डॉट यू आर एल, बहुत सिंपल इमेज ही नाम रखा था ना मैंने मॉडल में, देख लेता हूँ। हाँ इमेज देखिए मैं दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कॉल अगर इसका इमेज आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन से तो नहीं आया। यहाँ पे बेस नाम से पास हुआ है, ठीक है। अच्छा ये फिल्टर नहीं होगा, गेट होगा, सॉरी यहाँ पे एक सिंगल डेट आता है तो सिंगल के लिए गेट होता है, और एक से ज्यादा जब फिल्टर करना होता है तो फिर फिल्टर होता है, तो अब आएगा शायद। देखिए देखिए ये फोटो आ गया। अब मैं कॉलेज फोर में अपना एक इमेज देख पा रहा हूँ जो कि मुझे चाहिए था एक्चुअल में अपने डिजाइन के। अब इसी तरीके से मुझे कॉलेज एट बनाने हैं, तो मैं टेबल बना लेता हूँ, मैं प्रिफर करता हूँ टेबल को। यहाँ पे टी आर और उसके बाद टी एच, यहाँ पे लिखा नेम मतलब क्या नाम है शॉप का, तो टी डी में लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट दो बार आगे पीछे लिखूंगा बिज डॉट टाइटल, तो ये नाम मुझे बता दें। देखिए इको फिक्स नेम में आ गया। इसी तरीके से मुझे सारा चाहिए मतलब जितना भी मेरे पास है टी आर्स, डुप्लीकेट करता हूँ। नेम के बाद मुझे कैटेगरी चाहिए। अब मैंने जितना इंसर्ट किया था सब मैं यूज कर सकता हूँ कैटेगरी, ठीक है। ऐसे ही कैटेगरी के बाद मुझे कॉन्टेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट बिज डॉट कॉन्टेक्ट, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ गया। ईमेल बिज डॉट ईमेल, सीधा सीधा ईमेल आ गया। ओ सॉरी, और इसी तरीके से मुझे और भी चाहिए, जैसे क्या क्या था मैं भूल गया, थोड़ा देख लेता हूँ। कैटेगरी ईमेल वेबसाइट था, ठीक है, तो वेबसाइट भी मैं डाल देता हूँ वेबसाइट, ठीक ये हो गया वेबसाइट। और क्या था मेरे पास सिटी, ठीक है, तो वो भी डाल देता हूँ सिटी। अब मैं सिटी यहाँ लिखूँ सिटी
दो बार अंडरस्कोर मैं बताऊंगा इसका क्या इस्तेमाल है, पहले ये यूज कर दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ आपको, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए, मजा आ जाए आपको। देखिए वंडरफुल, कितना जबरदस्त तरीके से ये पूरा टेबल सर्च करा गया है। अब इस टेबल के जस्ट नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मुझे दिखानी है, तो मैं फैसला कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन दिखाने का आफ्टर क्वालिटी 4 एंड 8, मतलब कंप्लीट प्रो के बाद एक नया रो बनाया मैंने, कॉल डैश एल जी डैश 12 बनाया मैंने, 12 के बाद मैंने कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर कार्ड हेडर बनाया, हेडर में लिखा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ कार्ड बॉडी के अंदर बना दिया, कार्ड डैश बॉडी, और इसके बाद पैराग्राफ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैराग्राफ की जगह पे डिस्क्रिप्शन, तो लिखूंगा दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, ये स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल हो गया है, ये एरर का कारण बन जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया, बट ये कलर वलर नहीं है, थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, तो कलरफुल बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ हेडर का कलर बीजी डैश सक्सेस, टेक्स्ट वाइट, और इसमें लगाता हूँ बॉर्डर 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 डैश सक्सेस। अब देखें आप, तो आप एक जबरदस्त डिजाइन नजर आ रहा है, वंडरफुल। तो अब मैं अब जिस पे क्लिक करूंगा, मैं पीछे जाके दिखाता हूँ, जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा उसी का डेटा आएगा, वंडरफुल। देखिए कुछ भी शादी को क्लिक किया, कुछ भी शादी को क्लिक किया, तो मैं जिस बिजनेस पे क्लिक कर रहा हूँ उस बिजनेस का डेटा आ रहा है। रहा बात अब मुझे नाम चाहिए ऊपर में टाइटल में, तो इस जगह पे मैं सिंपली कर्ली ब्रैकेट दूंगा और लिखूंगा बिज डॉट टाइटल, ठीक है, और उसके बाद मैं डैश देकर लिख सकता हूँ यहाँ पे बिज डॉट कैटेगरी का नाम। वाह, तो देखिए अब हेडिंग में मुझे टाइटल दिखेगा, देखिए इकोफिक शॉप, इसी तरह से मैं पीछे आ गया, होटल हीमेन होटल कोडविसादे क्लासेस, वाह वंडरफुल, ये एकदम फिल्टरेशन होने लगा। तो मैंने क्या क्या बना दिया अभी, इतनी जल्दी से ये तैयार हो जाता है जैंगो में। सबसे नंबर एक मैंने सर्च बनाई, नंबर टू कैटेगरी फिल्टरेशन किया, नंबर थ्री इनपुट एक क्लिक करके, एक सिंगल डेटा को क्लिक करके मैं कैसे बदल पाया आपके सामने उसका एक सिंगल व्यू डेटा जो कंप्लीट डेटा को दिखाता है, जबरदस्त है। चलिए एक काम और कर दे, एक काम ये कर दे, जब मैं इस पर क्लिक, जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे और भी नीचे कुछ लिस्ट आने चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है जब आपको एक प्रोडक्ट को देख रहे होते हो तो नीचे कई प्रोडक्ट्स उसके सिमिलर प्रोडक्ट दिखते हैं, तो वैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो व्यू डॉट में जाएंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे बिज रिलेटेड, बिज रिलेटेड मैं से लिखता हूँ नाम, बिज डॉट ऑब्जेक्ट, सभी को बुलाओ, एक्सक्लूड छोड़ कर किसको, जिसका आईडी अभी मैं देख रहा हूँ यानी कि बिज आई, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें सब डेटा दिखाएगा उसको छोड़कर जिसका मैंने फुल डिटेल देखना है, मैं फुल डिटेल जिसको दिखूंगा उसको छोड़ के बाकी सब आएगा रिटेल। अब मैं इसको लूप चला दूंगा, लूप चलाने के लिए मैं क्यों अलग से जाऊँ, मेरे पास तो पहले से लूप है कॉलेज इसमें होम पेज में, ये रहा बिज का लूप, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूंगा इसमें से ऐसे, और मैं अपने बिज वाले पेज में लेके जाऊंगा जो मेरा सिंगल व्यू है, और एक नया रो बनाऊंगा इस रो के बाद, एक कंप्लीट नया रो, उसमें एक हेडिंग भी मैं दूंगा, जैसे H2 में दिख रहा हूँ सिमिलर बिजनेस रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो ये हेडिंग हो गया। उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर दूँ क्वालिटी 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम यहाँ पे रिलेट टेक कर देगा बस, और कुछ नहीं करना मुझे, सब कुछ सेम। देखिए ओहो सिमिलर, ये जो टाइटल मैंने दिया ये रो के जस्ट ऊपर दे दूँगा, अब सही, देखिए वाह क्या जबरदस्त लग रहा है। अब इसका तो मार्जिन वार्जिन दे, मार्जिन देने के लिए मैं यहाँ यूज करता हूँ क्लास मार्जिन टॉप फाइव। अब देखिए आप सिमिलर बिजनेस रिकॉर्ड, तो नीचे में वो दोनों डेटा दिख रहा है लेकिन जो ऊपर देख रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब दिख रहा है, जैसे मान लो होटल हिमेन जो क्लिक किया तो नीचे दोनों में सब दिख रहा है लेकिन होटल हिमेन नहीं दिख रहा, कोट भी सारी क्लिक किया सब दिख रहा है लेकिन कोट भी सारी नहीं दिख रहा, तो गजब का डिजाइन गजब की स्पीड में तैयार हो गया, वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो को अब मैं पॉज कर रहा हूँ, आप लोग को सेंड कर रहा हूँ,
आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, अब वीडियो कंप्लीट करके मुझे कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करना है आपको, ठीक है, एक वीडियो बनाकर। आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और इस प्रोजेक्ट को आपको कम से कम 10 बिजनेस रिकॉर्ड इंसर्ट कराने पहले, यानी 10 आपको बिजनेस रिकॉर्ड ऐड करने हैं इसमें, उसके बाद आप उसको उसका एक वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद।